अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्रामिंग कोर्स के साथ मैं आपका इंस्ट्रक्टर बाबर रियाज एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ अपनी इस वीडियो सीरीज में। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन का कंसेप्ट देखा, इस वीडियो में मजीद एग्जांपल देखते हैं इसकी। इस वीडियो में हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें हमने बुक्स के रिकॉर्ड जो है वो लेने हैं। एक बुक के रिकॉर्ड के तौर पर हमने बुक का नेम, बुक के नंबर ऑफ पेजेस और बुक की प्राइस जो है वो हमने यूजर से लेनी होगी। मीन के हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो बुक के लिए होगा। बुक नेम का हमने स्ट्रक्चर बनाना है जिसके तीन फील्ड्स होंगे, बुक का टाइटल, बुक के नंबर ऑफ पेजेस और बुक की प्राइस। ये तो उसका स्ट्रक्चर है बुक का। ये तीन फील्ड हमें, तीन चीजें यूजर से लेनी है और 10 बुक्स का हमने रिकॉर्ड लेना है। ये 10 बुक्स का रिकॉर्ड लेने के बाद हम एक फंक्शन को पास कर देंगे। फंक्शन को पास करने के बाद फंक्शन डेफिनेशन में आके मैक्सिमम प्राइस वाली बुक हम फाइंड करेंगे और उसका रिकॉर्ड जो है वो हम रिटर्न टाइप के जरिए कॉलिंग फंक्शन में दोबारा वापस भेज देंगे। और उसमें कॉलिंग फंक्शन में आके वो मैक्सिमम प्राइस वाली बुक जो होगी उसका रिकॉर्ड जो है वो हमने शो करवाना है। इस वीडियो में हमने असल चीज जो सीखनी है वो है रिटर्न डेटा टाइप। क्या रिटर्न टाइप भी स्ट्रक्चर हो सकती है? व्यूअर्स, हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे होती है। मीन के हम कैसे रिटर्न करवाते हैं एक स्ट्रक्चर टाइप की वैल्यूज, एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बुक नेम का, जिसके हमारे पास जस्ट जो है वो तीन फील्ड्स हैं। पहला फील्ड होगा बुक टाइटल का। स्ट्रिंग टाइप हम लिखते हैं टाइटल, जिसकी लेंथ मैं 30 कर देता हूँ। मैक्सिमम 30 कैरेक्टर बुक के टाइटल के तौर पे हम दे सकते हैं। उसके बाद मैं इंटीजर टाइप, नंबर ऑफ पेजेस है तो पेजेस कर देता हूँ, सॉरी व्यूअर्स। और प्राइस, ये तीन चीजें हमने बुक फील्ड के तौर पे ले ली। उसके बाद अब हमने करना क्या है, मेन फंक्शन में आते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं मैक्स नेम का, क्योंकि हमने मैक्सिमम प्राइस वाली जो बुक है वो फाइंड करनी है। इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? इसकी रिटर्न टाइप भी बुक होगी, क्योंकि हमने बुक का रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न करवाना है। उसके बाद मैक्स हमने फंक्शन का नाम रखा। इसमें हमने एक अरे पास करना है, किसका? बुक टाइप का। हम इसमें लिखेंगे बुक और साथ हम ये ब्रैकेट जो है वो लगा देंगे। ये हमारी फंक्शन जो है वो डिक्लेरेशन होगी या फंक्शन प्रोटोटाइप। इसमें आके हमने क्या करना है, 10 बुक्स का रिकॉर्ड लेना है। बुक का एक अरे बनाते हैं 10 का, और जो वैल्यू हमें रिटर्न हो गया वो हम RES के अंदर जो है वो स्टोर करवा लेंगे। इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया आई लूप चलाने के लिए, क्योंकि 10 बुक्स हैं वो लूप के जरिए हम इसके इंडेक्स को जो है वो कंट्रोल करेंगे। फॉर लूप चलाई, आई इक्वल टू 0, आई लेस आर इक्वल 9 और आई प्लस प्लस। इसमें आगे सबसे पहले हमने मैसेज देना है इंटर रिकॉर्ड, इंटर फर्स्ट सेकंड थर्ड, पता चलता जाए कौन सा रिकॉर्ड हम इंटर कर रहे हैं। साथ हम ये सैंपल इस्तेमाल करते हुए वो आई प्लस 1 कर देते हैं, ताकि प्रोग्राम जो है मजीद खूबसूरत दिखाई दे। और सेमीकोलन लगा, तो उसके बाद सबसे पहला मैसेज हमने देना है इंटर टाइटल ऑफ बुक या बुक टाइटल, इंटर बुक टाइटल। इसमें आगे हमने सेमीकोलन लगा देना है और CN इस्तेमाल करते हुए बुक का टाइटल जो है वो हमने यूजर से ले लेना है। ARY हमारा ऑब्जेक्ट है बुक टाइप का। इसके इस आई वाले इंडेक्स पे हमने क्या एंटर करना है, डॉट लगाना है और साथ हमने टाइटल लिख देना है। मीन कि हमने 0 वाले इंडेक्स का टाइटल हमने इंटर कर देना है। टाइटल इंटर करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा वीडियो की लेंथ जो है वो कम रहे। तीन चीजें हैं, इसको मजीद मैंने 2 दफा पेस्ट कर दिया। बुक का टाइटल है, बुक के पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, इसमें भी हमने क्या कर देना है, पेजेस कर देने हैं, PAGS। इस बुक टाइटल की जगह हमने प्राइस कर देनी, और इसकी जगह जो हमने
इस जगह ये फील्ड बनाया है, वो फील्ड का हम नाम लिख देते हैं PRICE, प्राइस। अब हुआ क्या, जब ये लूप बंद हो जाएगी, जीरो वाले इंडेक्स पे पहले हमने एंटर किया, फिर इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली वन हो जाएगी, वन वाले इंडेक्स पे वैल्यू एंटर करेंगे, फिर टू वाले पे, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, सॉरी व्यूअर, इस तरह क्या होगा कि हम 10 के 10 रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर लेंगे। 10 के 10 रिकॉर्ड एंटर करने के बाद जब ये लूप बंद हो जाएगी तो हमने ये फंक्शन को पास कर देना है, ये पूरा का पूरा आ रहा है। अब फंक्शन का नाम है मैक्स, इसको हमने पास कर दिया। क्या पास कर दिया, ए आर वाई पास कर दिया। जो वैल्यू रिटर्न होके हमें आएगी वो किस में आएगी, आर ई एस के अंदर स्टोर करवा लेंगे। और आर ई एस का जो रिकॉर्ड है, ये मैक्सिमम प्राइस वाली बुक है हमारे पास, उसका हमने क्या शो करवाना है, सबसे पहले तो हम न्यू लाइन कर देंगे, उसके बाद हम शो करवाएंगे बुक टाइटल, सॉरी व्यूअर्स, आर ई एस डॉट लगाएंगे और टाइटल कर देंगे, और साथ हम एंड लाइन का इस्तेमाल करते हुए जो है इसमें दूसरी लाइन लिखेंगे। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और दो दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ। बुक टाइटल के बाद मैं लिखता हूँ बुक पेजेस, और इस जगह मैं प्राइस कर देता हूँ, सॉरी व्यूअर्स, प्राइस। इस जगह से ये दो आप अगर हटा भी दें तो काम चल जाएगा, ठीक है। और इस टाइटल की जगह आपने पेजेस कर देने हैं, क्योंकि हम पेजेस शो करवा रहे हैं। और इस जगह भी हमने सॉरी पेजेस नहीं, PRIC प्राइस कर देनी है हमें। अब फंक्शन डेफिनेशन हमने बनानी है, दो चीज़ें हमने लिख ली, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन कॉल। अब एक्चुअल काम हमारा रहता है वो अब हमने करना है। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखी जाती है, बुक हमारी रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम है मैक्स। इसमें हम एक अरे रिसीव रहे हैं, और वो अरे किस टाइप का है, वो भी हमारे पास बुक टाइप का है, और उसमें हम जो वैल्यू रिसीव कर रहे हैं वो हम एक्स के अंदर जो है वो रिसीव करवा लेते हैं। और एक्स का हम इस तरह का जो है वो अरे का साथ बता देते हैं कि एक्स एक अरे है हमारे पास। फंक्शन डेफिनेशन की बॉडी में आके हमने वो बुक फाइंड करनी है जो मैक्सिमम प्राइस वाली है। इसमें आके हमने क्या करना है, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लेना है, पी अंडर स्कोर मैक्स मीन के मैक्सिमम प्राइस, और एक वेरिएबल हमने भी कॉमन लगाना था, एक वेरिएबल हमने आई ले लेना है। आई जो है वो उसके लूप को जो है वो कंट्रोल करेगा, और उसकी लोकेशन मैक्सिमम प्राइस वाली बुक की लोकेशन, उसका इंडेक्स स्टोर करने के लिए हमने लोकेशन का एक वेरिएबल ले लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक लूप चलानी है, फॉर लूप। कहाँ तक चलेगी, हमें पता है 10 एलिमेंट्स हैं, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, आई इक्वल 0, आई लेस आर इक्वल 9, और आई प्लस प्लस कर दिया। इसमें आके फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया, इसकी कंडीशन लगाई। अच्छा कंडीशन क्यों लगाई मैं अभी बताता हूँ। सबसे हमारे पास जो पहला इंडेक्स है वो कौन सा है, 0 वाला, किसका, एक्स का, एक्स ऑफ 0। उसकी जो प्राइस है हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम प्राइस है, ये हम स्टोर करवा लेते हैं किसमें, इस पी मैक्स में, पी मैक्स में हमने स्टोर करवा ली। अब आगे भी वैल्यू आ रही है, मिसाल के तौर पे एक्स ऑफ आई डॉट प्राइस, जिस इंडेक्स पे मर्जी प्राइस पड़ी है सब सब कुछ चेक करेगा, वन 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 बाई वन डॉट PRIC प्राइस। अगर वो प्राइस इंडेक्सेस पे पड़ी हुई प्राइस बड़ी है किससे, पी अंडर स्कोर मैक्स से, तो क्या हो जाए, पी अंडर स्कोर मैक्स में चली जाए, क्या चली जाए, एक्स ऑफ आई डॉट प्राइस, ये प्राइस मैक्सिमम में चली जाए, और लोकेशन के तौर पे हमारे पास, सॉरी लोकेशन में हमारे पास आई स्टोर हो जाए। इस तरह क्या होगा, जब ये लूप बंद होगी तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी प्राइस, और उस वो किस लोकेशन पे पड़ी है। एक्चुअली उस लोकेशन पे पड़ा हुआ पूरा रिकॉर्ड हमने रिटर्न करवा देना है। अब जब ये लूप, ये वाली लूप फॉर लूप बंद हो जाएगी तो हमें क्या करवाना है, एक रिटर्न कीवर्ड इस्तेमाल करना है, और हमने रिटर्न करवाना है एक्स
ऑफ लोकेशन, क्योंकि लोकेशन के अंदर वो वैल्यू होगी, वो इंडेक्स नंबर होगा जिस इंडेक्स नंबर पे मैक्सिमम प्राइस वाली वैल्यू मौजूद है पड़ी है, तो ये रिटर्न ओके कॉलिंग फंक्शन में आ जाएगा। व्यूवर्स हो सकता है कि कोई हमने जल्दी में मिस्टेक कर दी हो, एरर हो, इस प्रोग्राम को हम चला के चेक करते हैं, रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को रन किया, जैसे ही रन किया वो सक्सेसफुली रन हो गया। उसने कहा है कि इंटर रिकॉर्ड, इंटर फर्स्ट रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड इंटर करें, बुक का टाइटल दें, बुक का टाइटल हमारे पास है सी प्लस प्लस। उसके बाद उसने कहा कि इसके पेजेस कितने हैं, इसके 400 पेजेस हैं। इसकी प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस है 800। सेकंड रिकॉर्ड, वो कह रहा है कि सेकंड रिकॉर्ड एंटर करें, सेकंड बुक का नाम है सी, एंटर कर दिया। इसके पेजेस कितने हैं, इसके पेजेस 200 पेजेस हैं। इसकी प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस है 400। बुक है जावा, जावा के पेजेस कितने हैं, 700, और उसकी प्राइस कितनी है 600। चौथी बुक का नाम हम लेते हैं उर्दू लिख लेते हैं, इसके पेजेस हमारे पास हैं 500, और उसकी प्राइस है 350। पांचवी बुक हमारे पास है मैथ की, मैथ के पेजेस कितने हैं, 950, और इसकी प्राइस है 850। अभी तक जो हमने वैल्यूज इंटर की उसमें से हमारे पास ये मैक्सिमम प्राइस वाली बुक है मैथ की। उसके बाद छठी बुक हमारे पास जो है वो हमारे पास है स्टैट, और इसके जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो हम 700 कर देते हैं, हमारी अपनी मर्जी, जितना मर्जी। इसकी प्राइस भी मैंने 700 कर दी। और सातवीं बुक हम कर देते हैं सी शार्प, सी शार्प के जो पेजेस हैं वो मैं कर देता हूँ 980, और इसकी प्राइस हम कर देते हैं 1000। ये मैक्सिमम प्राइस वाली बुक अब आ चुकी है। पहले कौन सी थी, पहले थी मैथमेटिक्स, उससे पहले थी हमारे पास सी प्लस प्लस। अच्छा, आठवीं बुक का जो है हम रिकॉर्ड इंटर करते हैं, और ये बुक हमारे पास होगी ई सी ओ इकोनॉमिक्स, और इस बुक के जो हमारे पास पेजेस हैं वो हमारे पास है 800, और इस बुक की प्राइस जो है वो हम 850 कर देते हैं, 870 कर देते हैं। हमारे पास सेकंड लास्ट बुक का जो रिकॉर्ड है वो हम एंटर करने लगे हैं, बुक का जो टाइटल होगा वो हम कर देते हैं HTML। बुक के पेजेस कितने हैं, बुक के पेजेस हैं 900, और बुक की प्राइस है 750। उसके बाद लास्ट बुक का रिकॉर्ड हम एंटर करने जा रहे हैं। लास्ट बुक हमारे पास है CSS, केस किटिंग स्ट्रायल शीट। इसके हमारे पास पेजेस कितने हैं, 400 पेजेस हैं, और इसकी बुक की प्राइस जो है वो 550 है। अब इसमें से हमारे पास जो मैक्सिमम प्राइस वाली बुक है वो है सी शार्प। जैसे ही हमने इंटर किया उसने बता दिया बुक टाइटल सी शार्प, बुक के पेजेस जो हैं वो 980 हैं, और 1000 उसकी प्राइस है। पीपल्स, हमने प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन करके देख लिया है, बना लिया है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें। व्यूवर्स, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई किसी किस्म का भी आपने आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहें। हम जल्द ही व्यूवर्स HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Java, C# की वीडियोज भी बनाएंगे और अपने इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।